अमेरिका के वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5,500 नए वायरस ढूंढने का दावा किया है। भारत के अरब सागर और हिंदी महासागर के उत्तर पश्चिम इलाकों में मौजूद पाए गए वायरस जांच के लिए समुद्रों में 121 इलाकों से लिए थे पानी के 35,000 सैंपल्स। झारखंड के देवगढ़ के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे का 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। ट्रॉली में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचाया गया। 4 लोगों की हुई मौत और 12 से ज्यादा घायल। कल हेलीकॉप्टर से गिरकर युवक की हुई थी मौत। देश के वायु प्रदूषण के चलते 13 सालों में 13 लाख लोगों की मौत। नासा और ESA के उपग्रहों से अंतरिक्ष आधारित स्टडी के हवाले से खबर। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद समेत 8 शहरों में हालत गंभीर। दुनिया के 6ठे अमीर बने गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पछाड़ा। $118 अरब की नेटवर्थ के साथ अडानी बने दुनिया के 6ठे अमीर। गौतम अडानी ने लारी पेज और गूगल के को फाउंडर को भी पछाड़ा। 11वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य अपूर्णता की पेशकश की। गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रवास और शिक्षक परिसर के उद्घाटन पर बोले PM, WTO की अनुमति का इंतजार रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई हिस्सों में घट गया है खाद्य भंडार। 1 जुलाई 2022 से देश के सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूर्णता बैन। पर्यावरण खतरे को देखते हुए मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। दिल्ली समेत कई राज्यों ने पहले से शुरू की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली IIT संघ मिलकर बनाई रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक योजना। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे में 5 यात्रियों की मौत। बीते रात 9 बजे विशाखापट्टनम पलासा में कोणार्क एक्सप्रेस से हुआ हादसा। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने दिया जांच का आदेश। नवी मुंबई में IPL की धूम। सनराइज हैदराबाद ने गुजरात टाइटन को 8 विकेट से हराया। नई मुंबई नेरूल के DY पाटिल स्टेडियम में चल रहा IPL क्रिकेट मैच मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने बनाए 168 रन। 162 रन पर सिमटी गुजरात टाइटन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। अधिकारियों को दिया श्रेष्ठ कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश। ग्रामीण बस्तियों में जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देने और शिकायतें निपटाने पर दिया जोर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में आई तेजी। एयरपोर्ट क्षेत्र के गांव का 100% हुआ स्थलांतरण। सिडको ने दी जानकारी। अडानी समूह कर रहा नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण। दिसंबर 2024 में पहली उड़ान का है लक्ष्य। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।